आपने भी ये बात नोट की होगी कि बच्चे इज्जत नहीं करते, बच्चे इज्जत नहीं करते, बच्चे मानते नहीं हैं, बच्चे बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते। आप सभी ये चाहते हैं कि बच्चे रिस्पेक्ट करें, बच्चे इज्जत करें, बच्चे समय पर अपना काम पूरा करें और बहुत सारी चीजें कि बच्चे समझदार हों, आए गए रिश्तेदार के साथ अच्छे से मिलें और कभी झूठ ना बोलें, अच्छी उनके अंदर आदतें हों, ये आप बात सभी चाहते हैं। यस या नो? क्या मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये सारी आदतें आपके अंदर खुद हैं? यस या नो? मतलब साफ है, जो आदतें हमारे अंदर हैं वो बच्चों के अंदर आएंगी। और मेरा साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक अनुभव यही कहता है कि जो घर में चीजें होती है वो बच्चे अपने आप सीख जाते हैं, बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे देखते हैं वो सीख जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को हम सिखाना बंद कर दें। अब एक बार दो बच्चों की आपस में बातचीत हुई घर में, एक सोनू और उसकी बहन है, छोटी बहन, वो आपस में बातें क्या करते हैं, कई बार मम्मी लेक्चर देती है, घर में उपदेश चलते रहते हैं। अब आधा घंटा मम्मी का लेक्चर चलता है, सोनू अपनी बहन को कहता है अब आधा घंटा ये लेक्चर चलने वाला है, बस सो जा तू अपना काम करती रहे। उसके बाद क्या कहता है, फिर पिताजी शुरू हो जाते हैं, कहते आधा घंटा ये लेक्चर चलने वाला है, ये कैसेट की 20 साइड अब चलने वाली है। ऐसा है, बच्चे उपदेश को या लेक्चर जो हम देते हैं उसी को ऐसा समझते हैं कि इनका तो काम है कि ये रिकॉर्डिंग इनके अंदर हुई है, रोज रोज यही बजनी है, रोज एक ही तरह की डांट, रोज एक ही तरह के ताने। अगर ये चल रहे, बच्चे इससे बोर हो चुके हैं, कुछ नया करना होगा, बच्चे सब समझते हैं। ये बात आपको शायद आज नहीं लग रही होगी लेकिन बच्चे सब समझते हैं, सब बच्चे देखते हैं। एक देखने की घटना से मुझे एक कहानी, क्या एक रियल घटना याद आती है। अब जो काम हम करते हैं, जो हमने किया है, वो बच्चे सब जानते हैं कि मेरे मम्मी पापा कैसे हैं, उनको सब पता है। तो हुआ इस तरह का वाक्या कि एक स्कूल के अंदर दो बच्चे पढ़ते थे आपस में, जो आपस में गली के पड़ोसी थे। तो जो एक बच्चा था उसके पिताजी ने लव मैरिज की थी घर से भाग करके। अब वो बातें उन दूसरे बच्चे के घर में हुई तो उसे वो बातें पता चल गई। अब दो बच्चे आपस में झगड़ रहे हैं तो दूसरे बच्चे को जब लगा कि मैं कमजोर पड़ रहा हूं तो उसने वो ताना मार दिया कि तेरे बाप कौन से अच्छे हैं, उन्होंने भाग करके शादी की है। अब दूसरे जिस बच्चे को कहा उसने घर घर को, वो बच्चा ऐसा कहता है उसने अपने पिताजी को सारी बातें बताई, पिताजी गुस्से में आ गए, प्रिंसिपल को फोन किया, सर आप ये बातें सिखाते हो स्कूल में, बच्चों को अकल ही नहीं है बोलने की। वो कहता है फोन पर बात नहीं होती, आप स्कूल में आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। अब जब स्कूल में पहुंचे तो प्रिंसिपल साहब ने उन दोनों बच्चों को बुलाया, कहते इस दूसरे बच्चे से पूछा कि तेरे को कैसे पता कि इसके पिताजी ने भाग के शादी की है, ये या जो भी बातें हैं। तो वो बच्चा आकर के क्या कहता, कहते सर जी आलो धन्य बेरो ही कोनी, सारा गांव ने बेरो है, आलो धन्य बेरो ही कोनी। तो मतलब जो हमने किया है वो सब कुछ बच्चों को पता होगा। तो जो भी काम हम करते हैं वो बच्चों से कुछ भी छुपा नहीं है। लोग कहते हैं बच्चों को कि मिलजुल कर रहना चाहिए, घर में सारा दिन प्रॉपर्टी के लिए झगड़े हो रहे हैं तो क्या बच्चे मिलजुल कर रहेंगे, नहीं रहने वाले। और अगर घर में झगड़ा होता है तो बच्चे का इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। अगर मम्मी पापा या घर में कोई भी झगड़ा होता है उसका सबसे बुरा असर बच्चे की पढ़ाई पर पड़ता है। मैंने ये देखा है बच्चों की काउंसलिंग के दौरान, जो बच्चे परेशान रहते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, ये सारी समस्याएं इसी पॉइंट में आ जाएंगी कि जो बच्चे गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, दूसरों के साथ मारामारी करते हैं, उनका कारण यही है कि उनके मम्मी पापा घर में आपस में झगड़ते हैं। जिन घरों में भी मम्मी पापा का झगड़ा लगातार महाभारत के युद्ध की तरह चलता रहता है तो समझ लें कि बच्चा दुर्योधन बनने वाला है आने वाले दिनों में, कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि जो सबसे बड़ी लैब है, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो घर है, उसके अंदर सबसे बड़े जो प्रोफेसर और कुलपति हैं वो मम्मी पापा है। वहां से जो सीख कर बच्चा निकलेगा वही समाज में आगे फैलाएगा। अगर घर में झगड़ा है तो उसका मानसिक और शारीरिक विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा, उस बच्चे से कभी भी मिलजुल करके दूसरों का इज्जत करने की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। जो मम्मी अपने पति की, अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं करती, या जो पिता है अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता। अक्सर लोग आकर कहते हैं कि जब बूढ़े हो जाते हैं तब हमें दवाइयों की जरूरत पड़ती है, कहते हैं बच्चे हमारे लेकर नहीं जाते, बच्चे हमारी मानते नहीं, हम दवाई के लिए तरसते रहते हैं।
वो वही बच्चे हैं जिनकी जब वो बच्चे थे उनकी नहीं सुनी गई थी। जब वो देखते हैं कि मेरे मम्मी पापा अपने दादा दादी की बड़ों की इज्जत नहीं करते, तो आने वाले दिनों में उन बच्चों से इज्जत की उम्मीद की नहीं जा सकती। बच्चे देख रहे हैं कि हम अपने पिताजी से कैसे बात करते हैं, हम अपनी पत्नी से, पत्नी अपने पति से कैसे बात करती है, बच्चे सारे देख रहे हैं। वो बातें ही वही सीख रहा है, आने वाले दिनों में वो सब काम वही करने वाला है। तो सबसे तरीका यही है, अगर इज्जत हम चाहते हैं कि हमारी हो, तो हमें दूसरों की, घर वालों की इज्जत स्टार्ट करनी हो। इससे बड़ी बात नहीं, बच्चे देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। बच्चे को हम क्या कह रहे हैं, बच्चे को हम क्या उपदेश दे रहे हैं, वो बात मायने ही नहीं रखती। मायने ही रखती है कि बच्चे देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, बच्चे 24 घंटे देखते हैं कि मम्मी पापा का व्यवहार कैसा है, पापा का व्यवहार कैसा है। जो हमारा व्यवहार होगा वही हमारे साथ।